सो हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम टू मनी इनकम ट्रेडिंग। सो गाइस, आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने का पीछे रीजन है, लॉजिक बताया था। सो देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ा डाउनफॉल आया और मार्केट थोड़ा यहाँ पे रिजिस्टमेंट करने आया, और मार्केट रिजिस्टमेंट करने के आने के बाद फिर मार्केट अपर साइड जा रहा है। और मार्केट जैसे देख सकते हैं ये बल रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा है। अभी मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा अपर साइड जा सकता है। और अभी अपने पोजिशन देख सकते हैं, अभी तक हमारा ऑर्डर हिस्ट्री देख लीजिए, कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ मार्केट किसी भी तरह इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और जैसे देख सकते हैं मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने का बहुत कोशिश कर रहा है, और मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से अपर जाएगा। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे लूंगा, जैसे मार्केट यहाँ पे ग्रीन कलर के कैंडल बन के अपर जा रहा है, मार्केट के थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करने आएगा ना, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने का कोशिश करूंगा और यहाँ से अपर साइड का मेरे टारगेट रहेगा। लेट्स सी, देखता हूँ क्या होता है। सो अभी मैंने जो स्ट्राइक प्राइस में काम करूंगा वो स्ट्राइक प्राइस है 43,400। अभी देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस का प्राइस कितना चल रहा है, 208 रुपया। अगर स्ट्राइक प्राइस मुझे 200 के अकॉर्डिंग मिलेगा ना, तो मुझे बहुत अच्छा प्राइस में मिलेगा मुझे यहाँ पे बाइंग करने के लिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे डाउनफॉल आएगा ना, तो मार्केट के अंदर एंट्री लूंगा तो मुझे अच्छा प्राइस में भी मिलेगा, और मार्केट यहाँ से एक अपर साइड के अंदर जा भी सकता है। क्योंकि प्रीवियस हाई को अगर एक बार ब्रेक कर देगा ना, ये वाला जो हाई लगा है, तो मैं यहाँ पे अपर साइड के लिए कन्फर्म हो जाऊंगा। सो गाइस, देख सकते हैं मार्केट जो है अभी जो है ये जो मार्केट रेजिस्टेंस है उसको मार्केट ब्रेक कर दिया है, बट अभी मेरे तक एंट्री नहीं हुआ है। पोजीशन देख सकते हैं, अभी तक हमारे एंट्री नहीं हुआ है। अभी एंट्री कैसे होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। एंट्री में अगर आपको स्ट्राइक प्राइस के चार्ट दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे 200 के अकॉर्डिंग मुझे एंट्री करने के लिए सोच रहा था, बट अभी प्राइस चला गया है 220 के आसपास। बट मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जैसे ये जो अपर साइड यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है ना, मार्केट थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आएगा, और मैंने इसी लेवल के आसपास कोशिश करूंगा एंट्री लेने के लिए। लेट्स सी, उसके लिए मैं टोटली अभी वेट करता हूँ, देखता हूँ मुझे एंट्री आज मिलता है या नहीं। बट अगर मार्केट अगर मुझे एंट्री यहाँ पे नहीं मिलता है, तो मैं और एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। सो गाइस, देख सकते हैं मैंने जैसे आप लोगों को बोला था एक रिट्रेसमेंट करने आएगा, और वो एग्जैक्टली उसी तरीके से रिट्रेसमेंट भी मिल रहा है। अभी मैंने यहाँ पे एंट्री लूंगा कहाँ पे, जैसे मेरी स्ट्राइक प्राइस के 200 के आसपास आएगा तभी मैंने यहाँ पे एंट्री लूंगा। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है। लेट्स सी, अभी मैं यहाँ पे एक एंट्री ले लेता हूँ। ओके, 1 मिनट थोड़ा मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट अगर थोड़ा और नीचे आएगा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट को जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया ना कि मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आना ही है, बट उसी रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहा था, और मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट भी आया है। 1 मिनट बस, देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने आया है, और एग्जैक्टली मैंने जैसे बोला था आप लोगों को 200 के अकॉर्डिंग मैं बाई करूंगा, और मेरे यहाँ पे बाई हो गया है। मैं आपको पोजिशन दिखाता क्या, देखते 200 रुपया 201 रुपीज़ के आसपास मुझे यहाँ पे बाइंग हुआ है, ठीक है। बट मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि मैं वेट करूंगा इसी प्राइस तक आने के लिए, और मेरे एक्सपेक्टेशन था आप लोगों को जैसे लाइव दिखाया कि मार्केट एक बार तो रिट्रेसमेंट करने आएगा, मार्केट जैसे इस लेवल से आया है मार्केट को एक बार रिट्रेसमेंट करने आएगा, और मार्केट एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट करने आया है। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है। अभी मेरे स्टॉप लॉस कहाँ पे, मेरे स्टॉप लॉस रहेगा एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से, इसी लेवल के अकॉर्डिंग। मार्केट किसी भी तरह इस लेवल में आएगा तो मैं इस ट्रेड को लॉस लेके एक्सेप्ट करके मैं टोटली इस ट्रेड को एग्जिट कर लूंगा। बट अभी बता देता हूं मेरे यहां पे लॉस कैपेसिटी कितना होगा। मेरे यहाँ पे जो लॉस कैपेसिटी होगा, मैं आपको ये कह देता हूं कि किसी भी तरह अगर मान लीजिए मार्केट यहां पे 1500 रुपीज़ के आसपास, 1500 रुपीज़ के आसपास अगर आएगा तो मैं यहाँ पे लॉस बुक कर लूँगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस दूंगा नहीं। क्योंकि आज का मैंने आपको लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। देखो काफ़ी दिन हो गया है वीडियो अपलोड नहीं किया है, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ। देखो मार्केट में जब आपका सेटअप नहीं बनता है ना, एग्रेसिव अगर एंट्री लेंगे तो आपको कुछ उल्टा सीधा ट्रेड होता है, और एग्जैक्टली देख सकते हैं। बट मैं अगर और वेट करता नीचे आता, बट मैंने सोचा नहीं ठीक है, मार्केट को मैंने एक चांस लिया है कि एक स्टॉप लॉस देने के लिए। और मैं अगर आपको पोजीशन दिखा देता हूँ, 2 लॉट में बाई किया है, अभी 70-100 रुपीज़ के आसपास मुझे लॉस चल रहा है। मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जैसे यहाँ पे अपर साइड गया है ना, 1 मिनट, जैसे मार्केट यहाँ पे ये जो रैली किया है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा नीचे आके मार्केट घूम के अपर साइड जा सकता है, इसके हिसाब से मैंने एंट्री लिया। ओके, सो ये मेरे स्टॉप लॉस लेवल रहेगा कि मार्केट अगर किसी भी तरह ये जो लाइन के आसपास आएगा ना, तो मेरे स्टॉप लॉस आई थिंक हिट हो जाएगा। बट मैं अभी यहाँ पे सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अपर साइड थोड़ा जा सकता है, लगभग इस लेवल के आसपास, ठीक है, इस लेवल के आसपास मार्केट जा सकता है। लेट्स सी, देखता हूँ क्या होता है। ओके,
अभी हमने इस ट्रेड को टोटली होल्ड करेंगे, पोजीशन देख सकते हैं अभी टोटली कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। आप लोगों को सामने लाइव ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाया, मेरे प्लानिंग दिखाया, मैंने किस तरीके से सोचा। अभी इस ट्रेड में अगर लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है तो गुड लॉस होगा, अगर लॉस नहीं होता है तो मेरे टारगेट तक आ सकता है। सो गाइस यहाँ पे एक चीज देखिए, मार्केट जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था ना, मार्केट एंट्री लेके अपर साइड जा रहा था, बट मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा डाउनफॉल की भी कर रहा है। मतलब ये देखते आ रहा है कि मार्केट के अंदर ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये कंटिन्यू नहीं जा रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो लेवल है ना, ये हो रहा है 43,500 का लेवल है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मार्केट इसी के अंदर से मार्केट थोड़ा डाउनफॉल करने का कोशिश करेगा, क्योंकि और आपको और एक चीज दिखाता हूँ। सो देखो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ अभी दो सिचुएशन करूंगा, या तो मैंने मेरे स्टॉप लॉस को, मैं जहाँ पे एंट्री किया था वहां से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऐसे जगह में रखूंगा कि मार्केट अगर घूम के भी आएगा ना तो मेरे लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, ठीक है। और नहीं तो एक चीज करूंगा कि मैं यहाँ पे अभी एग्जिट कर लेता हूँ, फिर दोबारा फिर जैसे थोड़ा नीचे आएगा फिर एक बार एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। बट मैं यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस को एक बार ट्रेल कर देता हूँ कि मार्केट अगर किसी भी तरह घूम के आएगा ना तो मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे यहाँ पे आज एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो इस लेवल में अभी अभी ये वाला कैंडल क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट कैंडल इसको मूव करके चला जाना चाहिए अपर साइड, नहीं तो ये अपर साइड नहीं आएगा, मार्केट फिर थोड़ा डाउनफॉल आएगा, फिर यहाँ से डाउनफॉल करेगा। सो देख सकते हैं मार्केट जैसे फॉल कर रहा है, लेट्स सी अभी देखता हूँ, मेरे अगर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया हूँ हो सके तो मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं मेरे जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने कर दिया था, अभी जो है ये हो गया है, मतलब यहाँ पे एग्जिट हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ पोजिशन, देख सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट किया था मुझे यहाँ पे 150 रुपीज का सिर्फ प्रॉफिट हुआ, बट देखो ये मुझे ब्रोकरेज मिल जाएगा। ऑर्डर हिस्ट्री में आप देखेंगे 2095 में बाई किया था, 20395 में मैंने सेल किया, क्योंकि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा इस ट्रेड में अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि मार्केट अभी मैंने आपको एक चीज देख रहा हूँ कि 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है ना, मार्केट को एक बार रिट्रेसमेंट लेना है, इसीलिए मैं ये भी थोड़ा डर लग रहा है, बट इट्स ओके, डोंट वरी, मैंने यहाँ पे और एक एंट्री बनाऊंगा। सो गाइस देख सकते हैं मार्केट जैसे मैंने आप लोगों को बोला था रिट्रेसमेंट करने आएगा, ठीक है, और मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउनफॉल किया। बट देखो मैं जैसे मेरे ट्रायल एसएल हिट हो गया है, मैंने दोबारा फिर एक बार फिर से ट्रेड लिया है, अभी जो फ्रेश ट्रेड लिया हूँ उसको बाइंग दिखाता हूँ कितने में हुआ है। तो देखो पहले वाला ट्रेड में 201 रुपीज़ के आसपास बाई हुआ था, 204 रुपीज़ के आसपास मैंने सेल किया था, और अभी जो बाइंग हुआ है 190.95, मतलब 191 रुपीज़ में बाइंग हुआ है। अभी अगर पोजीशन देखेंगे अभी हमने टोटली होल्ड कर रहे, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ना, देखो मार्केट क्यों ना, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखो मार्केट का मेजरली ट्रेंड है अप ट्रेंड है, बट मार्केट के इसके अंदर करेक्शन करेगा, बट मैंने सोच रहा था कि मार्केट को यहाँ पे ना कंटिन्यू चला जाना चाहिए था इसी लेवल के आसपास से, इसीलिए मैं यहाँ पे इतना जल्दी मैं ट्रायल कर लिया था, कि मैंने सोचा कि अगर मार्केट घूम के आएगा ना तो मेरे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बट अभी मैंने जो एंट्री लिया हूँ एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया है, और अगर आप लोगों को पोजिशन दिखाता हूँ अभी देख सकते 500 के आसपास अभी चल रहा है, लेट्स सी देखता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दोबारा जैसे आप लोगों को सामने एक एंट्री लेके दिखाया था, बट अभी मेरे उसका भी ट्रायल एसएल हिट हो गया है। सो सबसे पहले मैं आपको रीजन बता देता हूँ, पहले बार मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास, और मेरे स्टॉप लॉस रखने के लिए सोचा इस लेवल के आसपास, और मैंने जब देखा मार्केट जाके ये वाला कैंडल बना है ना, तो मुझे तब भी मुझे डाउट हो गया है कि मार्केट को अगर अपर साइड जाना होता ना तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू निकल जाता, यहाँ पे इस तरीके से कैंडल नहीं बनता। बट उसके बाद जैसे दिखा मार्केट यहाँ पे मेरे ट्रायल ऐसे हिट हो गया कि मार्केट अगर घूम के भी आएगा तो मेरे लॉस नहीं होगा। उसके बाद दोबारा जैसे ये वाला बड़ा वाला रेड कैंडल बना, मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, फिर एंट्री लिया एग्जैक्टली इसी जगह में, और मैंने इसका नीचे स्टॉप लॉस देने के लिए सोचा, और मार्केट यहाँ से फिर अपर साइड गया है, फिर मार्केट घूम के नीचे आया,
बट मैंने जब देखा फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है, मैंने फिर स्टॉप लॉस को ऐसी जगह रखा कि मार्केट अगर घूम के भी आएगा तो मुझे लॉस नहीं होगा, मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट मेरे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है और उसके हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। सो अभी अगर होल्ड करता तो मुझे लॉस ही होता। सो अभी अपने पोजिशन देख लीजिए, टोटल दो ट्रेड लिया है और अभी जो टोटल जो है ना, देखो ये मैंने प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट के अंदर मेरे एक पॉइंट ऑफ द व्यू है कि मार्केट अगर किसी भी तरह ये वाला ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल अगर इस तरीके से नहीं बनेगा, ये कंटिन्यू अपर साइड जाएगा, ये मेरा व्यू था। और दूसरा व्यू था कि मार्केट को अगर अपर साइड जाना था, यहाँ से अपर साइड चला जाना था, फिर घूम के नीचे आना नहीं चाहिए क्योंकि ये मार्केट के एक्सपीरियंस, ये मार्केट के मेरे जो नॉलेज है, ये मेरे काम अभी लग रहा है। तो मार्केट जैसे देखा मार्केट यहाँ पे घूम के फिर नीचे आ रहा है, तब मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है कि मार्केट अगर घूम के आएगा तो मेरे स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया है। और अभी मेरे देख सकते हैं टोटल आज का जो है PNL है 208, मेरे अगर ब्रोकरेज भी जाएगा तब भी मुझे आज लॉस नहीं होगा आज का ट्रेड। आई होप आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बेसिक से ट्रेड लिया है और आप लोगों के सामने आज ने मैं पूरा ट्रेड आप लोगों को टोटल दो ट्रेड लेके दिखाया। और मैं आपको चाहे तो अभी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, एक मिनट दीजिए, मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो चलिए मैं आपको पोजिशन ले जाता हूँ, ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। पहले वाला ट्रेड लिया था 2095 200 रुपये 95 में और ट्रायल करके ऐसे जगह रखा था 203 रुपये 95 में, मैंने सेल कर दिया। फिर दोबारा ट्रेड लिया 190 में 95 पैसे में 190 रुपये 95 पैसे में और मैंने ट्रेल करके ऐसे जगह में रखा कि मार्केट अगर घूम के आएगा ना तो इससे मैं लॉस नहीं लूँगा और मैं स्टॉप लॉस लेके ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया है कि मेरे एक्सपेक्टेशन हो गया था कि मार्केट अगर इसी लेवल से अगर घूम के फिर आएगा, फिर मार्केट को नीचे आएगा या तो मार्केट आज क्या करेगा पूरा दिन यहाँ पे साइड वे कर देगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है आज मैंने क्या बेसिक से ट्रेड लिया हो। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, काफ़ी दिन हो गया है आप लोगों को सामने यूट्यूब में मैं वीडियो अपलोड नहीं किया है। आई होप आज आप लोग एक बेहतरीन आपको एक नॉलेजफुल वीडियो दिया है कि मार्केट के एक्सपीरियंस किस तरीके से काम में लगता है। सो नेक्स्ट मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच। सो गाइस देख सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मार्केट आज पूरा दिन साइडवे रहेगा और देख सकते हैं मार्केट टोटली आज पूरा दिन यहाँ पे साइडवे कर रहा है। अगर मैंने अपसाइड का जो ट्रेड लिया था अगर होल्ड करता ना तो यहाँ पे अल्टीमेटली मेरे स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया आज मार्केट में मैंने किस तरीके से ट्रेड किया है, क्या रीजन एंड लॉजिक से ट्रेड किया। सो अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, थैंक यू सो मच।